आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि परिवार में मियां और बीबी में झगड़ा होता है। नौबत यहां तक आ जाती है कि अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया जाता है। अदालत के फैसले के बाद मियां और बीबी अलग अलग हो जाते हैं और बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है। लड़का अक्सर पिता के साथ रहता है और बेटियां माँ के साथ रहती हैं। लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी है लेकिन सच्चाई 100% है। दरअसल आज सुबह जालौन कोतवाली में एक 13 से 14 साल की लड़की पहुंची और थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से कहने लगी कि उसे अपने पिता से मिलने जाना है। उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और माँ जालौन में रहती है। दरअसल दोनों में तलाक हो गया था और माँ ने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया, लेकिन बेटी अपने पिता को नहीं भूल पाई और माँ के विरोध करने के बाद भी वो पिता से मिलने दिल्ली जाने के लिए पुलिसकर्मियों से मदद मांगने थाने आ गई। पुलिसकर्मियों ने उसे डांडस बनाया और कुछ नाश्ता कराकर उसके पिता से उसकी बात कराई। पिता ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर पुलिसकर्मियों से कहा कि वह अभी कुछ ही देर में अपने रिश्तेदार को भेज रहे हैं और शीघ्र ही वो उसे लेने आएंगे। बेटी से जब हमारे सहयोगी ने बात की तो बेटी ने कहा कि वो अदालत के फैसले से पहले अपने बाप को मानती हैं और उनसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बेटा आपका? कशिश। आप यहाँ थाने में क्यों आई हैं? हमें अपने पाप न जाना है। पापा के पास जाना है। पापा कहाँ रहते हैं आपके? पापा दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। तो पापा मम्मी अलग क्यों हुए थे? लड़ाई हो गई, इसीलिए अलग हो गए। अच्छा, अब आप अपने पापा के पास जाना है? पापा न जाना है। माँ के साथ नहीं रहना? नहीं। क्यों? हमें नहीं रहना, हमें माँ मारती है। तो मतलब अदालत के फैसले को आप हम नहीं मानते? हमें तो अपने बाप लोग जाने, क्या हमारे तभी पुलिस वाले नहीं कर सकते, हमें करेंगे करेंगे, करेंगे। आपको पिता के पास भेजेंगे। पिताजी का क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद नाम है। अच्छा, नाम। वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज खिलाते हैं, मैच ट्रेनर हैं।